हाय गाइस, मैं हूं अरहान पी जैन और आपको आज मैं सिखाने वाला हूं नोटेशंस कैसे लर्न करें। तो आप सब सोच रहे होंगे कि नोटेशंस क्या है। नोटेशंस अभी आप सोचो, आप कोई एल्गोरिथम कर रहे हो तो एल्गोरिथम लर्न करने के लिए आपको नोटेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर नोटेशंस नहीं होंगे तो एल्गोरिथम्स भी नहीं होंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। राइट, तो राइट होगा ऐसे, राइट प्राइम डाउन, ऐसा होता है। तो अभी थोड़े लोगों को नोटेशन इधर नहीं आता होगा, तो अगर मैं आपको नोटेशन सिखा दूँ तो मुझे आपको 3x3 या फिर कोई पिरामिड्स वो सब इजीली लर्न हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो अभी हमें क्या करना होगा, एक बुक ले लेना होगा और एक पेन ले लेना होगा। और अभी आपको क्या लिखना है, आर लिखो। और आर लिखने के बाद एक बार अपना 3x3 ले लो, ठीक है, 3x3 या फिर 2x2 जो भी है। और आप ये समझो आर कैसे करते। देखो, आर यानी कि मेरा राइट साइड। तो राइट साइड मेरा कौन सा है, वाइट है मेरा, सेंटर मान लो वाइट। और अब देख लो मेरा राइट साइड कौन सा है, राइट साइड मेरा होगा ये वाला। तो ये राइट साइड मूव करता है, ठीक है, राइट साइड को बिगाड़े बिना ये मूव करता है, यानी कि ये मेरा राइट है, राइट लेयर है। तो अब मैं क्या करूँगा, राइट यानी कि क्लॉकवाइज होता है, मीन्स राइट क्लॉकवाइज। तो अभी मेरा इधर मैं इधर अपने राइट साइड में आ गया। और अब देख रहा हूँ ये मेरा सेंटर मान लो। तो अभी इधर का क्लॉकवाइज कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा ऐसे। तो मुझे इधर ऐसे घुमाना पड़ेगा तब ये क्लॉकवाइज घूमेगा। तो हमारा हो गया ये राइट। और अब जबकि आप देख रहे हो, कभी कभी एल्गोरिथम्स में राइट के साथ एक अपोस्ट्रोफी आ जाती है। तो अपोस्ट्रोफी मीन्स राइट प्राइम कहते थोड़े लोग। और राइट एंटी क्लॉकवाइज भी मान सकते हैं, क्योंकि वो जब हम मूव करते हैं उसे तब वो राइट एंटी क्लॉकवाइज में आता है। तो फिर से मैं अभी अपने राइट में चला गया। और अभी इधर का एंटी क्लॉकवाइज क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ इस साइड। तो हम फिर से इसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, तब हो गया ये राइट प्राइम। और कभी कभी ऐसा भी एक नोटेशन आता है, R2 लिखा होता है। R2 यानी कि R, मैं अपने राइट साइड में आ गया फिर से। और अभी R2 यानी कि R दो बार घुमाना है। तो ये मैटर नहीं करता कि आप दो बार ऊपर घुमाओ या दो बार नीचे घुमाओ, क्योंकि अभी देखो हम दो बार घुमाएंगे ये पीछे चला गया। और अगर हम नीचे ऐसे ही रोटेट करते हैं तो फिर से ये इधर ही जाने वाला है, हमें मालूम है। तो ऐसा कोई मैटर नहीं करता, आप ऊपर जाओ या नीचे जाओ, R2 यानी कि कोई भी ऐसे जा सकते हैं। बट ये अपने को ये ध्यान रखना होगा कि ये अपना राइट लेयर घुमाना है, ठीक है। तो अब बारी आती है लेफ्ट की। L लिखा होता है कभी कभी नोटेशंस में। तो हम आने के देखो, R को अपने लोगों ने ऊपर किया, तो लेफ्ट को भी हम ऊपर करेंगे तो ये L हो गया मुंह। नहीं, राइट हैंड साइड एकदम अलग होता है लेफ्ट हैंड साइड से। तो हम देखते कैसे, राइट यानी कि ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये हमें मालूम है कि इधर सेंटर है और इधर ऐसे करेंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो हम इसे ऊपर घुमाएंगे। पर इधर देख लो, अपने L लिखाओ तो अपने लोग L's लेफ्ट साइड में आ जाएंगे अपने। तो और अभी देखेंगे इधर का क्लॉकवाइज ऐसे होगा, ठीक है, क्लॉकवाइज एकदम सेम होता है लेकिन उधर से ऐसे होगा। तो हम इसे नीचे लाएंगे, राइट साइड से एकदम डिफरेंट। R में अपने लोग ऊपर डालते थे और L में अपने लोग नीचे ले जाते हैं। तो ऐसे ही इसमें थोड़े चेंजेस होते हैं। और L प्राइम यानी कि अभी तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि L प्राइम यानी कि अपने लोग लेफ्ट में चले जाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो इस साइड होगा, मींस L प्राइम यानी कि ऊपर ऐसे ले जाएंगे। और अभी एक और नोटेशन है लेफ्ट में कि L2, तो R2 और L2 सेम ही होता है।
अब देख लो, L2 यानी कि लेफ्ट को अपने को दो बार घुमाना है, ठीक है, समझ में आएगा। ये भी मैटर नहीं है कि अपने लोग ऊपर जाए कि नीचे जाए, हम कोई भी साइड जा सकते हैं L2 में। तो अभी R2 R R प्राइम लिख लिया होगा आपके नोटबुक में आपने, और L L प्राइम और L2 लिख लिया होगा आपके नोटबुक में। तो आप ये चीज़ प्लीज़ प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको 3x3 और वगैरह वगैरह सॉल्व करने में आसानी हो। तो अभी आ जाते हैं अप में, U आता है कभी कभी। तो U के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर के साइड में जाना पड़ेगा, ठीक है, अपने ऊपर के साइड में आ गए। और अभी क्या लिखो आप कि इधर का क्लॉकवाइज कौन सा होगा, ऐसे ही ना, क्योंकि ये सेंटर है और इधर का क्लॉकवाइज ऐसे जाता है, ठीक है। तो अपने लोग इस साइड घुमा देंगे ताकि अब क्लॉकवाइज हो जाए। और अभी हम अगर अप प्राइम की बात करें यानी कि अप एंटी क्लॉकवाइज, तो हम ऊपर चले जाएंगे और अब आप देख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज इसी साइड आता है, मतलब अप का उल्टा, अप प्राइम, तो ऐसे हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो हम फिर से इसे इस साइड मूव कर देंगे, तो हो गया ये अप प्राइम। तो मैं शुक्र करता हूँ कि आप नोटबुक में ये लिख रहे हो। और अब बारी आती है U2 की, तो U2 यानी कि अप टू टाइम्स। तो अब मैं कोई भी साइड दो बार घुमा रहा हूँ, मतलब आप इधर भी मैटर नहीं आता कि आपको दो बार इधर अप में घुमाना है कि अप प्राइम में दो बार घुमाना है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ U2 लिखा होगा, U के साथ अपोस्ट्रोफी और 2 नहीं लिखा होगा। तो आपको कोई भी साइड आपको मूव कर देना है, ठीक है, दो बार। और अभी बारी आती है डाउन की, यानी कि डी यानी कि अब हम नीचे चले जाएंगे डाउन में। और अब हम देख रहे हैं ये क्लॉकवाइज इस साइड है, यानी कि अप का उल्टा, इधर क्लॉकवाइज ऐसे होता है, तो हम डाउन को इस साइड मूव कर देंगे। और डाउन प्राइम यानी कि हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो हम इधर इस साइड जाएंगे, तो फिर से हम इधर आ जाते हैं। और डी 2 टाइम्स, तो आपको अभी मालूम ही पड़ा हो गया, इधर 2 टाइम कर देंगे, ठीक है। तो आपको D D प्राइम D2 ये भी लिखना है। और अभी अब बारी आती है फ्रंट और बैक की, तो हम पहले फ्रंट कर लेंगे क्योंकि बैक थोड़ा सा हार्ड है। तो अभी हम फ्रंट में ले लेंगे तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा आपको। देखिए अभी फ्रंट यानी कि अपना फ्रंट साइड, तो हम इधर ही है। तो अभी क्या होगा, क्लॉकवाइज यानी कि अपना क्लॉकवाइज इस साइड है, तो इजीली अपने लोग फ्रंट को ऐसे घुमा सकते हैं, सही है ना। मतलब देख लो, एक मैं आपको एक अच्छा सा टिप देता हूँ, अगर मैंने फ्रंट कहा है तो फ्रंट को बिगड़े बिना ये टर्न हो रहा है, ठीक है, और उसका ऑपोजिट साइड भी बिगड़ नहीं रहा, लेकिन उसके जो चारों तरफ है, मतलब उसके आगे पीछे जो भी है वो बिगड़ रहे। तो ये एक टिप हो गई। और अगर मैंने आर कह दिया तो आर और लेफ्ट साइड को कुछ नहीं हो रहा, बल्कि एफ अप बैक और डाउन को सब कुछ हो रहा, मतलब बिगड़ रहा है। तो ये एक टिप मान सकते हैं। अगर मैंने आपको एल कह दिया तो एल और राइट नहीं बिगड़ता और बाकी सब बिगड़ जाते हैं, तो ये आप इसे इजीली कर सकते हैं। तो अब हम कहाँ थे, F यानी कि क्लॉकवाइज, मैंने इसे इधर घुमा दिया, इजी था। और F प्राइम यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, F एंटी क्लॉकवाइज, तो इस साइड घुमाते हैं हम। और अब देखिए मैंने घुमा दिया। और अब फिर से F2 यानी कि दो बार F फ्रंट दो बार, ये भी इजी था, ठीक है। तो आपको F प्राइम F2 लिखना पड़ेगा नोटबुक में। तो मैं जो अभी कह रहा हूँ वो प्लीज़ घर पे प्रैक्टिस करिएगा ताकि ये इजी हो जाए आपके लिए। और नाउ लास्ट नोटेशन, मतलब लास्ट 3 नोटेशंस पे हम आ जाते हैं, जो कि है बैक। बैक यानी कि एकदम उल्टा, इधर आपको दो बार टर्न करना पड़ेगा। तो अब हम देख लेंगे बैक यानी कि इस साइड,
जो कि फ्रंट के उल्टा है, ठीक है, इस साइड। तो क्लॉकवाइज यानी कि हम इधर पीछे कर देंगे, ठीक है। और हम बैक एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो बैक का उल्टा होगा एकदम, दिस लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज, बैक एंटी क्लॉकवाइज। और अब हम फिर से टर्न कर लेंगे इसे, ठीक है। और अपना लास्ट नोटेशन है B2, यानी कि B2 टाइम्स। तो अब हम बैक को दो टाइम घुमा देंगे कई तरफ, और हो गया B2 भी। तो अगर आपको नोटेशन से एकदम आ गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।